होने वाला है उनकी करंट फीलिंग्स के लिए, क्यों वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं आपको प्यार करने से, ठीक है। दिस इज द बेसिक चीज। अब अगर ये वीडियो का टाइटल आपको लगता है कैप्टिवेटिंग है, आपको आपको इसका आंसर जानना है, तो बाय ऑल मींस यू नो ये वीडियो आप ही के लिए बना है। और इस ये जो है ये वीडियो एक टाइमलेस वीडियो है। इस वीडियो की कुछ बातें ऐसी है कि जो आपके साथ रेजोनेट करेगी, कुछ बातें ऐसी है कि जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। वो जो भी रेजोनेट करता है आपको रखना है, जो भी नहीं रेजोनेट करना है आपको जाने देना है, ठीक है। अब ये वीडियो देखते देखते हो सकता है कि कुछ ज़्यादा सवाल आपके मन में आ सकते हैं, आप मुझसे पूछना चाह सकते हैं, राइट। आप टैरो करवाना चाह सकते हैं मुझसे, बाय ऑल मींस आप टैरो करवा सकते हैं। टैरो के जो कंसल्टेशन है वो चार्जेबल होते हैं, यस, उसके पैसे आप पहले भरेंगे जिसके बाद आपको रीडिंग मिलेगा। अगर आप टैरो के कंसल्टेशन के चार्जेस देखना चाहते हैं तो आप मेरी वेबसाइट के ऊपर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सो यस, सो दैट बीइंग सेड, चलिए थोड़ा से मेरे बारे में बता दूं, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा सवाल उसके बारे में बाद में आ सकते हैं। तो मैं हूँ प्रीति, मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने आज तक हज़ारों लोगों के टैरो रीडिंग्स किए हुए हैं। एंड यस, अगर आप भी मुझसे रीडिंग करवाना चाहते हैं, आप मुझसे रीडिंग सीखना चाहते हैं, आप यस सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। आपके पर्सन जो है, ठीक है, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्यों रोक नहीं पा रहे हैं आपको प्यार करने से, ठीक है। क्यों ये पर्सन, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए, और क्यों ये अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं आपको प्यार करने से, ठीक है। सो जी हाँ, ये आपके लिए हम देखने वाले हैं। डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके जो पर्सन है उनकी करंट फीलिंग्स बताइए। ओके, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी करंट फीलिंग्स बताइए, और क्यों वो अपने आप को रोक नहीं प्यार रहे हैं पा रहे हैं मेरे व्यूअर्स को प्यार करने से। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स बताइए, मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स बताइए, क्यों वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं प्यार करने से, ये भी बताइए, ठीक है। सो दैट बीइंग सेड, एक कार्ड हम चेक कर लिया, दे भी वो, ठीक है। चलिए यस, अब यहाँ पर कुछ कार्ड आ चुके हैं, कुछ कार्ड हम बाद में देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर कार्ड आए हैं वो देखते हैं। सी, ओके, क्या ये व्यक्ति शादीशुदा है, ये व्यक्ति शादीशुदा है और कहीं ना कहीं इनको किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अट्रैक्शन फील हो रहा है। आई थिंक इनके जो पार्टनर है, इनके जो लाइफ पार्टनर है, वो शायद इनके प्रति इतना फीलिंग्स नहीं दिखाते हैं, वो इनके प्रति इतना ज़्यादा इनको टाइम नहीं देते हैं, इनको ज़्यादा इनके प्रति फीलिंग्स नहीं रखते हैं, इनको इनके प्रति यू नो यस, इनके साथ कुछ भी लेवल का इंटरेक्शन नहीं होता है, कि जिसकी वजह से ये शायद बाहर प्यार ढूंढ रहे हैं, इनको घर में प्यार नहीं मिलता जिसकी वजह से ये बाहर प्यार ढूंढ रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ द कार्ड, इन्होंने आपके साथ बात की है। अब जितना प्यार से इनके साथ पेश आते हैं आप, जितना इनको हमदर्दी, जितना इनको एक भाईचारे जैसा फीलिंग, भाईचारा मतलब या ब्रदर सिस्टर जैसा नहीं, बट यस भाईचारा एक ऐसा शब्द है जैसे यस मतलब एक बहुत अच्छा एक मिक्स हो जाते हैं आप सबके साथ, राइट। ऐसा फीलिंग इनको आपके लिए होता है, इनको लगता है कि आप इतने अच्छे से सबके साथ घुल मिल जाते हैं, सबके साथ आप अच्छे से बात करते हैं, आपके साथ भी मतलब उनके साथ भी आप बहुत अच्छे से बात करते हैं, विच इज वाई ये आपसे अट्रैक्ट हुए हैं। शायद इनका इनके पार्टनर के साथ, इनकी बीवी के साथ भी इनका झगड़ा हो रहा है, ठीक है। ये बीवी के साथ काफ़ी झगड़ा इनका होते रहता है, या तो बीवी इनकी बहुत ज़्यादा झगड़ालू है, बात बात पर इनको नीचा गिरा देती है, राइट। सो डेफिनेटली मेल ईगो इज गोइंग टू गेट हर्ट, और इसीलिए ये जो व्यक्ति है आपके प्रति ज़्यादा अट्रैक्ट होकर आ रहे हैं, ठीक है। अब आपको एक बात बता दूं, जब भी कोई शादीशुदा व्यक्ति बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होकर, शादीशुदा पुरुष बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होकर आपके तरफ आते हैं, लेट मी टेल यू, मतलब शादीशुदा पुरुष अगर शादी जिसके साथ की है उसके साथ उस व्यक्ति का सबसे ज़्यादा फीलिंग होता है, ठीक है। अगर वो आपसे जो भी कह ले, डोंट बिलीव दैट, बिकॉज वो हमेशा झूठी बोलेगा बाहर की लड़की को फंसाने के लिए कि वो बीवी से भी ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ वन थिंग। और अगर ये स्त्री है तो स्त्री को भी टोटली अपने हस्बैंड से इग्नोरेंस मिल रहा है, वो बहुत इग्नोर कर रहे हैं इनको, जिसकी वजह से ये दूसरे किसी के प्रति अट्रैक्ट होकर आए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये इस कार्ड को बाद में देखते हैं। ये वाला जो कार्ड है ये कहता है कि
ये जो है बहुत ही ज्यादा रिलेशनशिप में समय देना चाहते हैं, रिलेशनशिप के ऊपर काम करना चाहते हैं, बट हो सकता है कि इनके जो पार्टनर है वो ज्यादा काम नहीं करना चाहते हैं रिलेशन पर, या वो बहुत ज्यादा बिजी है, ठीक है, ये बहुत ज्यादा बिजी है, प्लस ये व्यक्ति बहुत ज्यादा फास्ट है, फास्ट इन द केस यस यू नो थोड़ा सा सेक्शुअली ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं, और इनके पार्टनर इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है कि जिसकी वजह से यू नो इनका इनकी जो ख्वाहिश है अधूरी रह जाती है, जिसकी वजह से ऐसे अट्रैक्ट हो रहे हैं। उसी के साथ साथ अभी थोड़ा कोई चेंज हुआ है इनकी लाइफ में, चेंज हुआ है, शिफ्ट हुआ है, और ये चेंज कोई बड़ा चेंज हो सकता है, या तो इनका जो पार्टनर है वो किसी दूसरी जगह पर ट्रांसफर हो गए हैं इसीलिए ये अकेला फील कर रहे हैं, या फिर ये हो सकता है कि अगर ये पुरुष है तो मतलब वाइफ है कि जो एक्सपेक्ट कर रही है, वाइफ बच्चा एक्सपेक्ट कर रही है तो इसीलिए अपने मायके चली गई है, या पूरा वक्त उसका अपनी प्रेगनेंसी पर प्रेगनेंसी को संभालने में फोकस करने में चला जाता है और इसीलिए ये व्यक्ति अबैंडेंड पूरा पूरा मतलब उसको इग्नोर कर दिया है, वैसा उनको फील हो रहा है, जिसकी वजह से ये आपके तरफ अट्रैक्ट हुए जा रहे हैं। ऑल्सो यस ये काफ़ी ज़्यादा यू नो इनका स्वभाव भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, हर किसी से झगड़ा करते रहते हैं, शायद आप ही के साथ झगड़ा नहीं होता है इनका, आप ही के साथ बहुत अच्छा बहुत अच्छे से बातचीत होती है इनकी, विच इज़ वाई इनको लगता है कि आप बहुत अच्छे से यस आपके साथ बहुत अच्छे से रिलेशन मेंटेन करना चाहिए। क्या वो आपको अपने घर पर बुलाना चाहते हैं? सो इफ दैट इज द केस यस इनके मन में ये भी एक बात है कि आपको वो घर पे बुलाना भी चाहते हैं, आपको अच्छे से ट्रीटमेंट देना चाहते हैं। जी हाँ ये है, आई डोंट नो किस इंटेंशन से ये आपको घर बुलाना चाहते हैं, राइट? आप कहेंगे अच्छा तो अभी कार्ड पे देखकर बताओ, राइट? सो सी बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस यू नो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये सेक्सुअली अट्रैक्ट हो रहे हैं इसीलिए घर में बुला रहे हैं, राइट? ये भी लग रहा है। उसी के साथ साथ ये शायद आपको ये भी दिखाने का प्रयास कर सकते हैं कि ये कितने पैसे वाले हैं, कितने रिच हैं, कितना बड़ा इनका घर है, तो बड़ा घर दिखाने का लालच देकर भी आपको अपने आपको मतलब मिलने के लिए बुला सकते हैं, ठीक है? सो दे आर कॉन्स्टेंटली मतलब ये टोटली ओवरवेलमिंगली कोशिश कर रहे हैं आपको अपने प्रति अट्रैक्ट करने की, भले आप अट्रैक्ट ना हो वो अलग बात है, राइट? अब आपको क्या करना चाहिए इस केस में वो भी देखना जरूरी है, बिकॉज यस यू नो अगर कोई व्यक्ति कॉन्स्टेंटली ऐसा आपके पीछे गुड़ के ऊपर मक्खी की तरह आपके आसपास भिनभिनाए तो आपको भी जानना पड़ेगा कि भाई आपको इनका करना क्या चाहिए, राइट? सो इनकी करंट फीलिंग्स क्या है और आपको इस व्यक्ति के प्रति क्या करना चाहिए? डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स मेरे व्यूअर्स को ये जो व्यक्ति है डियर गॉड स्पिरिट गाइड्स मेरे व्यूअर्स की ये जो व्यक्ति है कि जो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं उनसे दूर रहने के लिए उनके उनके लिए मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, ठीक है? चलो मेरे व्यूअर्स को इस व्यक्ति के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को इस व्यक्ति के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, व्हाट इज हैपनिंग, उल्टे सीधे कार्ड्स हैं, मेरे व्यूअर्स को इस व्यक्ति के साथ मेरे व्यूअर्स को इस व्यक्ति के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, मेरे व्यूअर्स को इस व्यक्ति के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, ओके। एनीवेज चले सबसे पहली बात यहाँ पर है ट्रैंक्विलिटी, शांति से व्यवहार करना है, ठीक है? कुछ ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट इनको मत दिखाओ, जैसे ये व्यक्ति अगर आपसे बात करना चाहते हैं, जैसे सी अगर आप इससे रिलेशनशिप में है, अगर आप कमिटेड रिलेशनशिप में है तो अलग बात है, बट ये व्यक्ति शादीशुदा है और आपके पीछे मतलब मंडराते रहते हैं तो वॉट इज गोइंग टू बी द पॉइंट ऑफ दिस रिलेशनशिप, राइट? अगर कोई व्यक्ति आपको फ्यूचर ही नहीं दे सकता है तो उस रिलेशनशिप का आप वैसे भी क्या करोगे, राइट? आपको शायद ये भी पता है और यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि ट्रैंक्विलिटी जब भी आपसे मिलते हैं, बात करते हैं, आपके आसपास होते हैं, बिल्कुल शांति से बर्ताव करो। अब अगर आप भी ज्यादा मतलब खुश होते हैं, ज्यादा उछल उछल कर बात करते हैं किसी और से भी, तो इनको लगता है कि उनकी प्रेजेंस की वजह से आपके ऊपर ये असर हो रहा है, तो ये ज्यादा खुश होंगे, ये ज्यादा इनको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपके मन में भी इनके लिए फीलिंग्स है, ठीक है? तो ये थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना है इस बात से। नेक्स्ट चीज यहाँ पर कार्ड बता रहा है कंसल्ट एन एक्सपर्ट, अगर ये बात ज्यादा सीरियस हो जाए, ठीक है? अगर ये बात ज्यादा सीरियस हो जाए तो डेफिनेटली एक्सपर्ट की सलाह लीजिए, बिकॉज कभी कभी यू नो ऐसा रिलेशनशिप काफी ज्यादा यू नो मतलब अगर कोई व्यक्ति साइको है तो वहां पर डेफिनेटली आपके लिए मुश्किल हो सकता है कैसे डील करना। ये कार्ड अच्छा सुबह सुबह अगर आप इस व्यक्ति से यू नो मॉर्निंग एफर्मेशन, अब यहाँ पर ये दिस कार्ड मीन्स समथिंग डिफरेंट, बट इस व्यक्ति को अगर आप मतलब इससे पीछा छुड़ाना चाहते हैं तो सुबह सुबह उठकर इनके साथ बात मत कीजिए,
उनकी जब सुबह आती है तब भी बात मत कीजिए। होता क्या है कि जब यू नो सुबह सुबह आँख खुलते ही अगर आप किसी व्यक्ति से बात करना शुरू कर दें, उसकी भी आँख खुली है और आप उससे तुरंत बात करना शुरू कर दें, तो उसके सबकॉन्शियस माइंड में आप धीरे धीरे उतर जा रहे हो कि जिसकी वजह से यू नो ये व्यक्ति फिर आपसे दूर रह ही नहीं पाएंगे, ये दूर नहीं रह पाएंगे आपसे, मतलब बहुत ज़्यादा तड़पेंगे अगर दूर हो जाएंगे तो भी। तो इसीलिए सुबह सुबह इनसे बात करना टालो, ठीक है। वो जो उनका जब उठने का टाइम है वो देख लो, उसके हिसाब से उनके साथ बात मत करो। वो सुबह उठ जाए उसके एक दो घंटे के बाद आप उनके साथ बात करो, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड सेज इज वेट, डोंट रश इन टू एक्शन राइट नाउ, बाई द टाइम फॉर बेटर रिजल्ट, ठीक है। तो ये वाला कार्ड कहता है कि अभी के अभी यू नो ये जो रीडिंग मैंने बताया है, जैसे मैंने कहा साइको हो सकता है, मैंने कहा कि अगर शादीशुदा है तो इनसे यू नो इनसे रिलेशन में कोई मतलब ज्यादा कुछ आपको एक्शन नहीं लेना है, तो ये वाला कार्ड कहता है अभी बिल्कुल बिल्कुल से बिल्कुल ही यू नो कुछ हार्श एक्शंस, कुछ फास्ट एक्शंस नहीं लेना है। देर आर चांसेस कि यू नो अगर आप थोड़ा सा समय रुक जाएंगे तो ये रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली फेड आउट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली इसके मायने बदल जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए ज्यादा जल्दबाजी में आकर कुछ करना नहीं है, ठीक है। सो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो, आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ अपने सारे ग्रुप्स में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। फिर से मेरे चैनल से सब्सक्राइब करिए, मुझे कॉमेंट्स में बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड यस, न्यूमरोलॉजी का जो रिपोर्ट है बहुत ही बेहतर है, लोशु ग्रेड का रिपोर्ट है। आपकी बर्थडे और आपका नाम आपको सबमिट करना पड़ेगा, जिसके बाद आप ये अमेजिंग रिपोर्ट पा सकते हैं। बहुत ही डिटेल वाला रिपोर्ट होने वाला है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस पर आपको अवेलेबल रहेगा, ठीक है। तो जल्दी से आप यू नो उसके लिए यस जल्दी से उसके लिए आप यू नो बुक कर लीजिए, ठीक है। Thank you so much for watching. Bye-bye.